बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। फैजी किचन में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी आज की रेसिपी बहुत डिफरेंट सी है। आज हम कोई खाने वाली चीज़ नहीं बना रहे। वैसे तो हम रेसिपी बनाते थे खाने के लिए, लेकिन आज की हमारी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट सी है। आज हम खाने के लिए नहीं बनाएंगे, बल्कि आज हम एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिससे हमारा पेट नहीं भरेगा नहीं बल्कि हमारा पेट छोटा होगा। और ये रेसिपी पेश कर सकते हैं आप, इसमें रेमेडी क्या लें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सामने क्या दो चीज़ें रखी हैं, इससे कोई रेसिपी बन सकती है भला। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो नाज़रीन, आज हम बनाएंगे एक ऐसा स्पेशल कहवा जिससे आपका पेट छोटा होगा और आपकी कमर भी शेप में आएगी। नाज़रीन, हमारी बहनें सारा दिन किचन में काम कर कर के थक जाती हैं और वो खाने बना बना के पूरे घर वालों का ख्याल रखती हैं, लेकिन हिसाब में अपना ख्याल रखना तो कहीं भूल जाती हैं। देखो, मेरे पास इसका सलूशन है। तो इसलिए मैं आपके साथ हर हफ्ते एक ऐसी रेमेडी, ऐसी रेसिपी शेयर किया करूँगी जिससे आप अपने घर वालों का ख्याल रखते बहुत रखती हैं आप, उसके साथ आप अपना ख्याल भी रख सकेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जी, हमारी आज की रेसिपी है स्पेशल कहवा, ठीक है, जो कि ख़ास तौर पर हमारे पेट को छोटा करने के लिए, कमर को शेप में लाने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले चाहिए दो पीस में अदरक के लिए, छोटे छोटे पीस अदरक के हैं, चार हमारे पास लौंग हैं, और ये मेरे पास 20 पत्ते थे खुश पुदीने थे, फिर खुश पुदीने के जिनको मैंने मसल के बस बारीक से कर लिया। जी नाज़रीन, सबसे पहले हमने फ्लेम किया ऑन, इसके ऊपर रखेंगे हम सॉस पैन में तकरीबन 1 कप पानी का हमारे पास, पानी को थोड़ा गर्म होने दें। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 पीस ये हमारे पास हैं अदरक के, 4 लौंग, और जी हमारे पास था ना 20 पत्तियाँ हमारे पास जो थी खुश पुदीने, वो डाली इसके अंदर। नाज़रीन, ये कहवा मैंने पर्सनली खुद इस्तेमाल किया हुआ है, मेरी बहन ने इस्तेमाल किया, मेरे सासूमा ने इस्तेमाल किया ये कहवा, और हम सबको इसको बाकायदा रिजल्ट मिला है। मैं आपको हर हफ्ते एक ऐसी रेमडी, ऐसी रेसिपी बताया करूँगी जो वाकई हमने खुद इस्तेमाल की हुई और हमारे अजम होता है, ठीक है। मैं आपको सुनने बात नहीं बताया करूँगी और बिल्कुल वो बात बताया करूँगी जो बिल्कुल जेन्युइन होगी, जो बिल्कुल जेन्युइन रेसिपी होगी, इसलिए आपको फ़ायदा हुआ करेगा। आपने कहवे को 5 से 6 मिनट तक पकाना है, इसके अंदर आपने कोई पत्ती, कोई चीनी, कोई नमक कुछ नहीं डालना। जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इसके चीज़ आप बस वो इसमें डालनी है, कुछ से पकाना है आपने। हमारा कप तकरीबन तैयार हो चुका है, अब हम उतार के से कप में निकालते हैं भुनने के बाद। हाँ जी नाज़रीन, तो हमारा कहवा हो गया तैयार। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर है इसका, बिल्कुल पक पक के बिल्कुल सही तैयार हो गया है। नाज़रीन, आपने इसका इस्तेमाल रात को खाने के बाद करना है और तकरीबन घंटे सोने से 1 घंटा पहले आपने पीना है इसे, और इसे पीने के बाद आपने रात को उसके बाद फिर कोई चीज़ और नहीं खानी। इससे आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा और आपका पेट बिल्कुल साथ लग जाएगा और आपकी कमर बिल्कुल शेप में आ जाएगी। और आप सब इसे घर में ज़रूर पिएगा, और ख़ास तौर पर जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, जिनकी बैली आगे को बाहर को आई हुई है, वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। 8 दिन के अंदर उन्हें बिल्कुल वाजा फ़र्क महसूस होने लगेगा, और जिन लोगों को मैदे का प्रॉब्लम है वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेमेडी या रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक जल्द दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।